巻き込んでいい。तो आज का सीन कुछ ऐसा है कि इस कहानी में हम दो लोग हैं, मैं और समीर। समीर को आप लोग बखूबी जानते होंगे, कोई खास रूबरू कराने वाली बात है नहीं अगर आपने पुरानी वीडियो देखी होंगी तो। और ये कहानी शुरू होती है एक टूटी फूटी सुबह से। तो आज का सीन कुछ ऐसा है कि हमें मतलब मुझे और समीर को निकलना है बागपत बड़ौद के लिए, और हम जा इसलिए रहे क्योंकि हमें अपनी वहाँ पर मेहमान नवाजी करवानी है। मतलब हम लोग जा रहे हैं समीर की फुप्पो के यहाँ पर। मैं तो पहली बार जा रहा हूँ और आई थिंक समीर भी कह सकते हैं पहली बार ही जा रहा है, क्योंकि 10-15 साल बाद जा रहा है वो। ही वॉज इन हिज चाइल्डहुड व्हेन ही वेंट देयर। और अभी आपको शायद मेरी शक्ल देख के लग भी रहा हो कि मेरी सिर्फ 4 घंटे की नींद पूरी हुई है। एग्जैक्टली तो नहीं लग रहा होगा, लेकिन हाँ मैं बता रहा हूँ 4 घंटे की नींद पूरी हुई है, क्योंकि पूरी रात में एडिट कर रहा था। मेरे अंदर एक बुरी आदत ये है कि जब मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं आती ना तो मैं उसे बिगाड़ देता हूँ। रात में अपनी एडिटिंग से सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा था तो मैंने पूरा प्रोजेक्ट कैंसिल करके उसे दोबारा स्टार्ट किया। तो रात के 6 बजे तक मैंने, सुबह के 6 बजे तक एग्जैक्टली मैंने एडिटिंग की। अभी सामान पैक करना है, माइक चार्ज करना है और निकलना है। मैंने पूरी वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद देखा है कि अगरबत्ती का डब्बा झांक रहा है। ये इतना ज़्यादा लेट हो चुका है कि मेरा अब मन कर रहा है जाके एक नींद की झपकी भर लूँ, क्योंकि 4 घंटे की ही नींद पूरी हुई है और 200 किलोमीटर दूर जाना है यार। और मैंने किसी से सही सुना है कि नींद का नशा सबसे खतरनाक नशा होता है, क्योंकि इस वक्त मैं नींद के नशे में 50 किलोमीटर के सफ़र को 200 किलोमीटर का बता रहा हूँ। कितने बजे का टाइम बोला था आपने? सुबह 9 बजे का। तो अगर ये आप मुझे पहले बताए तो मैं शायद अपनी नींद पूरी कर लेता ना। 4 घंटे की नींद हुई सिर्फ मेरी आपकी वजह से। मैं 6 बजे उठा था एक्चुअली, घर वाले हैं नहीं मेरे, इसलिए लेट, सॉरी फॉर इट। यार इसे मैं ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकता, उसके दो रीज़न है मेनली। पहला तो बचपन का दोस्त है, साथ बड़ा हुआ है, ठीक है चलो ये बात समझ आ रही है। दूसरा मेन रीज़न ये है कि मेहमान नवाजी के लिए इसके ही मेहमानों के यहाँ जा रहे हैं। मतलब मुझे नाश्ते का लालच बिल्कुल नहीं है यार। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? रज्जू भाई के यहाँ। रज्जू भाई कौन? बचपन में देखा था, लॉलीपॉप खाता था, लाल चड्डी पहनता था, बड़ी शरारत करता था। नहीं ये वो नहीं है, वो गोलमाल मूवी में अजय देवगन था। ये राजू फूफा हैं समीर के, और ये वो वाले फूफा नहीं है जिनके यहाँ हमें मेहमान नवाजी में जाना है। ये एक दूसरे फूफा जो पास में रहते हैं, और हम इनके यहाँ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमें अपनी बाइक से चेंज करना है इनकी, नहीं हमारे पास स्कूटी है और हमें चेंज करना है इनकी बाइक से। और वो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाइक में पेट्रोल कम लगता है भाई, और आजकल पेट्रोल बहुत महंगा है यार। तो भाई सीन कुछ ऐसा है कि अभी हम थोड़े वक्त के लिए यहाँ रुके हैं, और एक अपडेट छोटी सी ये देनी थी कि मुझे लगा था कि हमारे घर से 200 किलोमीटर दूर है बागपत। वो इसलिए क्योंकि जो इसने मुझे लोकेशन शेयर करी थी मैंने वो देखा था, तो 200 किलोमीटर दिखा था फ्रॉम माय हाउस। आई वाज रॉन्ग, राजू फूफा ने बताया कि यहाँ से सिर्फ 35 किलोमीटर है, और राजू फूफा को ये प्यार से रज्जू फूफा बोलता है। रज्जू फूफा हाय। यार लास्ट वीडियो में जो हमने पूरी सब्जी खाई थी ना, उससे हमारे हाजमे बिगड़ गए थे सच में। तो हमने इस बार सोचा था कि लंबे सफ़र पे जा रहे हैं, थोड़ा एनर्जी की ज़रूरत है, हेल्दी रखेंगे भाई मसला फुल। लेकिन ये पापी पेट है ना, नहीं मानता यार, मतलब सच में नहीं मानता, यकीन करो। हाफ मलाई चाप और बटर नान रोटी ना, कितने खाए करो? 3। हाँ 2-3 मैं खाऊंगा। कोल्ड ड्रिंक भी ले लिए साथ में। डाइटिंग
6 किलोमीटर बाकी है अब, और अपनी ज़िंदगी में सबसे लंबा सफ़र तय किया है मैंने 2-व्हीलर से, जिसमें पूरी गाड़ी मैंने चलाई है, क्योंकि समीर को बाइक प्रॉपरली आती नहीं है इसीलिए। देखो ऐसा नहीं है कि समीर ने मुझसे बोला ना हो कि ला मैं गाड़ी चला लेता हूँ, उसने मुझसे बोला था कि ला मैं गाड़ी चला लेता हूँ, इस बहाने थोड़ा सीख भी जाऊँगा। लेकिन मुझे अपनी जान ज़्यादा प्यारी है रादर देन कि मैं इसे गाड़ी चलाना सिखाऊँ। बहरहाल खैरियत से पहुँच गए, नाश्ता वास्ता किया, कुछ पिक्चर्स क्लिक की, उसके बाद हम निकल गए घूमने, और घूमने के लिए हमने एक पर्सनल टूरिस्ट गाइड रखा हुआ था। यकीन करें आप, पर्सनल टूरिस्ट गाइड ये टूरिस्ट गाइड हैं हमारे मोनिश भाई। मोनिश भाई से हाय। ये मेरी फुप्पो के लड़के हैं, इनका नाम है मिस्टर मोनिश। प्लीज मेक योर हेयर स्टाइल लुकिंग लाइक सम रफ्तार। अपनी चमाल थोड़ा ज्यादा पानी डाल, कोई तरको मैडम को कर देगी यू बड़ा बवाल। एक पूछी दे। सो गाइस अभी हम ऊपर ऐसा कर लेगा, बाद में बात करते हैं, क्या बोलना है बता। यहाँ पर पहुँचने के लिए हमने 4 से 5 जगह रास्ता पूछा, और 4 से 5 जगह रास्ता पूछने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि ये लोग हमें रास्ता बता रहे हैं या डांट रहे हैं। फिर बाद में पता लगा कि यहाँ की बोली ऐसी है कि कहाँ जा रहा, क्या कर रहा, यहाँ कुछ अल्ला वहाँ कुछ अल्ला। मैं नहीं बता रहा। He will speak something like, बोलो कुछ। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? सरकारी। अब हम लोग आए हैं यहाँ खेतों में, जहाँ चारों तरफ हरे हरे पेड़, पूरी कार्बन डाइऑक्साइड, ठंडी ठंडी हवा, तीखी तीखी धूप, और चारों तरफ शांति शांति शांति। टूरिस्ट गाइड बड़े कंफ्यूज है हमारे, यहाँ लाके कह रहे कि तुम्हें नदी पे जाना है, हमने कहा कि पहले नदी पे लेके चलो। टूरिस्ट गाइड प्लीज सी हियर, ही इज स्माइलिंग राइट नाउ। अब यहाँ से गाड़ी मोड़नी है, मुझे डर ये है कि सांड भक्के बना दे खेतों में। कल सांड नहीं आते एक्चुअली, मैंने सुना है कि जिनावर आते हैं। मोनिश भाई ट्रूली स्पीकिंग आप हंसते हो तो मोड़ू कैसे गाड़ी। समीर को अभी उड़ता हुआ मोर दिखाई दिया है, और सुना तो मैंने भी यही कि अगर मोर एक बार बैठ जाता है तो आसानी से उड़ता नहीं है, तो वहाँ वो उसे देखने गया है। मैं इसलिए नहीं गया कि मोर मिले ना मिले, इन जंगलों में सांप जरूर मिल जाएगा। Now it's time to go home. बहुत ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पर आकर, यहाँ की ठंडी ठंडी हवा, तीखी तीखी धूप, और मोनिश भाई से मिलके। मोनिश भाई want to say something? बाय बाय ऐसे होता है, बाय 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 शब्बा। नाम क्या है तुम्हारा? असलम खान, हरियाणा किसान, असलम शेर अली खान, कस्बा बड़ोत, गांव रुस्तमपुर, जिला बागपत, राणा भट्टी, मोहल्ला सानियाल, गली नंबर 8।